दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्या लव राशिफल फरवरी 2021। फरवरी का महीना, प्रेम का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, एक्स्ट्रा अफेयर की स्थिति कैसी रहेगी, इसके बारे में हम जानेंगे विस्तार से। दोस्तों इस लव राशि फल को शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, यह लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के आधार पर है। मून साइन यानी कि वर्गो साइन अगर आपका है तो आपके लिए ये वीडियो है। अगर आप इसे चंद्र राशि के अनुसार नहीं देखना चाहते या आपके पास में चंद्र राशि आपको पता नहीं है, तब आप इसे नाम राशि के अनुसार देख व सुन सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं, आखिर जानते हैं कि फरवरी का महीना, प्रेम का महीना आपके प्रेम संबंधों के लिए कैसा है। इस महीने 21 फरवरी तक शुक्र का गोचर आपकी राशि से पंचमस्त, उसके बाद में बहुत अच्छा एक गोचर जो कि मंगल का परिवर्तन होगा। मंगल वो ग्रह है जो आपके रिश्तों को सबसे ज्यादा संभालने का या बिगाड़ने का काम करता है। अगर मंगल की स्थिति कहीं से भी खराब हो जाए तो रिश्तों की परवाह व्यक्ति नहीं करता है। आपकी राशि से अष्टमस्त गोचर मंगल का चल रहा है और ये परिवर्तन हो जाएगा 21-22 फरवरी को। इसलिए हम जानते हैं कि आखिर ये फरवरी का महीना अन्य ग्रहों की स्थितियों को भी देखते हुए आपके लिए कैसा जाने वाला है, आपके प्रेम संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए कैसी स्थितियां बनाने वाला है। दोस्तों लव राशि फल शुरू करें उससे पहले आपको ये भी बता दें कि अब आप एक कमेंट करके अपनी एक प्रश्न लिख सकते हैं, अपनी बात लिख सकते हैं। 14 फरवरी के दिन का स्पेशल लव राशिफल बनाया जा रहा है जिसमें आपके प्रश्न को आधार मान के यानी कि आपके प्रश्न को ध्यान में रखते हुए हम उस लव राशिफल को तैयार करेंगे, जिससे कि आपके जो अंदर की बात है, आपके रिलेशनशिप में जो स्थिति है, उसी के बारे में विस्तार से जानकारी मिल पाए। इसीलिए अपनी जो भी आपकी मन की भावनाएं हैं या व्यक्त करना चाहते हैं या कुछ भी बात है, कोई प्रश्न है अपनी लाइफ से रिलेटेड, अभी वर्तमान की स्थिति को देखते हुए या 14 फरवरी को क्या होगा, कैसी स्थिति रहेगी, उसके बारे में क्या आपके मन में प्रश्न है, वो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो उसी के आधार पर आपको 14 फरवरी एक दिन का विशेष लव राशिफल मिलेगा जिसमें आपकी लव लाइफ के बारे में विस्तार से और बहुत कुछ बताने वाले हैं। क्योंकि ये फरवरी का तो हम पूरा बताते हैं आपको कि ये फरवरी का इतने दिन से इतने दिन या वो सब चीज़ें बताते हैं फरवरी के महीने में, लेकिन वो एक दिन का होगा और वो केवल 14 फरवरी का होगा। और 14 फरवरी का जो लव राशि फल होगा बेहद खास है क्योंकि उस दिन हर व्यक्ति के लिए बहुत कुछ खास होने वाला है। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खराब स्थितियाँ भी हैं तो उन सभी के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उसकी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। ये फरवरी का इसीलिए अभी जनवरी तो प्रारंभ हुई और हम आपको ये लव राशि फल देने लगे, उसकी वजह एक ही है, वजह है कि हम वो भी बनाएंगे आपके लिए 14 फरवरी के लिए विशेष। अगर 14 फरवरी के लिए विशेष बनाना है तो पहले इसे खत्म करना होगा, है ना। तो इससे आपको भी सही रहेगा और हमें भी, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता है, फिर आपको टाइम से चीज़ नहीं दे पाएंगे, टाइम से वीडियो नहीं मिल पाएगी। इसीलिए आप अपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिख करके अपने सवाल जरूर लिखें, जिससे कि 14 फरवरी को आपके सवालों को निर्धारित करके और सवालों को लेकर के वहां पर राशिफल तैयार करें। दोस्तों सबसे बात करते हैं सबसे पहले कि यहां पर सिंगल लोगों के लिए क्या स्थितियां रहेंगी फरवरी के महीने में। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए खास करके स्थितियां ये बन जाती हैं कि आपको निश्चित ही फरवरी के महीने में कोई प्रपोज कर सकता है। क्यों? शुक्र का गोचर पंचमस्त, पंचम भाव में शुक्र का गोचर और शुक्र प्रेम के कारक, शुक्र जो आपको भौतिक सुख दिलाते हैं और सुकून दिलाते हैं, कुछ तो एक तरह से जो रोमांस या काम वासना भी देखते हैं शुक्र से, तो यहाँ पर शुक्र बहुत ज़्यादा प्रेम को बढ़ाते हैं और प्रेम थोड़ा फिजिकली भी होता है और इमोशनली भी होता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर फिजिकल रिलेशन की स्थिति ज़्यादा बनती है प्रेम में, लेकिन ये प्रेम बहुत ही प्रबल रूप से होगा और फरवरी के महीने में प्रेम संबंध बहुत अच्छे होंगे। सिंगल लोग हैं, प्रपोजल मिलेंगे, प्रपोजल एक्सेप्ट करने का मौका मिलेगा। कोई व्यक्ति बहुत समय से आप उसे कह रहे थे अपनी दिल की बात, वो मान नहीं रहा था, केवल आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपको पहले आपने प्रपोज किया और उसने कहा नहीं हम अच्छे मित्र बन सकते हैं, अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं, तो ऐसे में अब वो वक्त आ गया है कि वो अभी तक आपको केवल देख रहा था, आपके स्वभाव को देख रहा था, वो आपको फ्रेंड बनाए हुए था, लेकिन
अब वो आपकी बात मान लेगा और अब आप रिलेशनशिप में आ जाएंगे, आपकी फ्रेंडशिप वो एक्सेप्ट कर लेगा और आपको अपना दोस्त से हट करके अब लवर बना लेगा, VFGF बन जाएंगे आप। तो ये बहुत आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके साथ साथ अगर रिलेशनशिप में हैं तो खास करके स्थितियां ये बन जाती हैं, क्योंकि मंगल जो है 21 फरवरी तक अष्टमस्थ रहेगा, आपको अष्टम का मंगल कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी और आपको भी दूसरों पर आकर्षित कराता है, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में मिलने जुलने का भी मन करता है और खास करके पार्टनर के साथ में होने का बहुत मन करता है। अगर फरवरी के महीने में आप अपने अंदर कोई बात दबा कर रखते हैं, अपने पार्टनर से कोई बात छिपा कर रखते हैं, तो हो सकता है आपको घुटन महसूस हो, चिड़चिड़ापन आए। लेकिन यहाँ पर मंगल का गोचर 21 फरवरी तक ऐसी स्थितियाँ बनाता है कि अफेयर इत्यादि, कहीं दूसरा अफेयर इत्यादि हो सकता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर अगर आपको समय ना दे तो आप उधर से आपका ध्यान हटे और फरवरी के महीने में आप किसी और के साथ में डेट इत्यादि करें, तो ये बहुत ज़्यादा स्थिति बन जाती है। मंगल आपको गुस्सा भी दिलाएगा, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी भर देगा जिससे कि आप ज़्यादातर सच बोलने का प्रयास करेंगे, सच्ची बातें ही निकलेंगी आपसे, झूठ बोलने की जो आदत है वो एक तरह से चली जाएगी, स्वाभिमान बहुत ज़्यादा भर जाएगा। तो अगर पार्टनर कहीं से भी इग्नोर करेगा तो आप भी उसे छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उससे भी अच्छा व्यक्ति मिलने वाला है, इसीलिए। लेकिन अगर 21 फरवरी तक एडजस्ट कर सकें तो आपके लिए बेहद अच्छा समय आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर मिलना जुलना नहीं हुआ या आपको खास करके फरवरी में आपको ज़्यादा, क्योंकि आपकी मांग रहती है कि आपका पार्टनर आपको समय दे, ठीक है, अगर आपको समय नहीं दिया, आपको इग्नोर किया, तो आपको गुस्सा भी आएगा और आप रिलेशन छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपका समय आपका पार्टनर देता है, क्योंकि कुछ राशियां मैं लास्ट में बताता हूं वीडियो में कि कुछ राशियों के पार्टनर जिनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी और आपको समय भी देगा और एंजॉय भी करेगा, आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी उसके बात करके, उससे रिलेशनशिप में है तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ रहेंगी। इसलिए यहाँ पर जो लोग आपको समय देंगे, जो आपके पार्टनर आपको समय देंगे, मिलना जुलना करेंगे और आपकी बात मानेंगे, आपको खुश करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही आपकी लव लाइफ में ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मंगल कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये एक्स्ट्रा अफेयर इत्यादि या थर्ड पार्टी भी या बहुत ज़्यादा शक करने की स्थिति बना देता है। आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर पर शक करेंगे, और शक भी क्यों ना करें, क्योंकि स्थिति ही ऐसी सामने नजर आएगी आपको कि शक करने की स्थिति आपको स्वाभाविक सी बन जाएगी। क्यों? आपको समय ना देना और कहीं और बिजी होना, ये आपको कहीं ना कहीं शक में डालेगा। वो व्यक्ति हो सकता है कि कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व है, वो आप पर इतना ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, उसकी वजह हो सकता है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हो लेकिन फिजिकल रिलेशन में उसका ज़्यादा कहीं ना कहीं दिलचस्पी है, तो वो आपसे उतना ज़्यादा लगाव नहीं रख रहा है क्योंकि आप फिजिकल होने के मूड में नहीं है, या आपको उनसे मिलने का ज़्यादा मन नहीं है, आपको दूर से ही वो प्यार करना है, वो जो आप उन्हें जो खुशी चाहिए वो आप नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से वो कहीं दूसरे व्यक्ति से भी कनेक्ट हैं लेकिन आपको भी खोना नहीं चाहते हैं। इसीलिए मंगल का स्वभाव यहाँ पर अष्टम में मंगल 21 फरवरी तक की स्थितियाँ ये बनाकर रखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर स्थितियाँ आपको अगर सुधारनी हैं तो आपको एक तो कंट्रोल और बहुत हद तक गुस्से को कंट्रोल करना है, और इसमें गणेश जी की आराधना ज़्यादातर करके रखनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत धैर्य से काम लेना है। जल्दबाजी में फैसला लेना नुकसानदायक हो सकता है और जल्दबाज प्रवृत्ति के आप बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें, सोच समझ के लें, हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कुछ बड़ा और गलत निर्णय ले लें। अब दोस्तों हम बात करते हैं मैरिड लाइफ की, मैरिड लाइफ की स्थितियाँ, मैरिड लाइफ की खास करके स्थितियाँ ये बन जाती हैं कि यहाँ पर एक्स्ट्रा अफेयर, आपके हस्बैंड आपकी वाइफ का एक्स्ट्रा अफेयर इत्यादि की संभावनाएँ ज़्यादा हैं, शक भी बहुत ज़्यादा होगा, वो इतने व्यस्त हो जाएंगे अपने कार्य में जिससे कि आपको शक होना भी स्वाभाविक सी स्थिति बन जाएगी, शक की स्थितियाँ ज़्यादा पनपेंगी। उसके साथ साथ मंगल का तो यहाँ पर रहेगा, प्रेम संबंधों में भी थोड़ा मतभेद, आपके रिलेशनशिप में मैरिड लाइफ में थोड़ी मतभेद की स्थिति बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि सूर्य पंचम में है, ठीक है, उस वजह से थोड़ी सी स्थिति बनेगी। और यहाँ पर आपको बहुत मात्रा में ये देखा जाएगा क्योंकि बृहस्पति भी पंचम में है, इसीलिए लव मैरिज की बात, अगर आपने लव मैरिज की है
तब स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। और अगर लव मैरिज की बात करना चाहते हैं तब भी आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, लव मैरिज के लिए बहुत अच्छी स्थितियां रहेंगी, लेकिन आपके पार्टनर थोड़े से कन्फ्यूजन में रहेंगे, ये स्थिति है। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है, 21 फरवरी तक बहुत ज़्यादा मिलना जुलना होगा। मिलने से मना करने पे आपके पार्टनर अगर आपसे मिलने से मना कर देंगे या मुलाकात नहीं होगी फरवरी में, तो आप नाराज भी हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा आपको बुरा भी लगेगा। तो मिलने का मन बहुत ज़्यादा करेगा, उससे भी बहुत अधिक मात्रा में ये स्थिति बन जाती है कि आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा ही दूसरे लोग भी बहुत आपको सहयोग करेंगे आपके रिश्ते को, अगर जैसे मिलने जुलने जाते हैं उसमें, या वैसे भी रिश्तों को बनाकर रखने में, या कोई नाराज़गी चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी, उसे सुधारने के लिए भी लोग आपका कहीं ना कहीं सहयोग करेंगे, उनके फ्रेंड्स वगैरह भी आपका सहयोग करेंगे, जिससे कि आपका रिलेशन बचा रहे अगर कोई भी गलत स्थिति थी। दोस्तों अगर आप डाइवोर्स की बात करते हैं, डाइवोर्स की स्थिति की, तो डाइवोर्स में जो लोग डाइवोर्स इत्यादि लेना चाह रहे थे उनके लिए स्थितियां बहुत बुरी हैं, क्योंकि डाइवोर्स इत्यादि आपके पार्टनर आपसे नहीं लेना चाहेंगे, आपको मनाएंगे, आपसे सॉरी भी कहेंगे और आपको खुश करने का प्रयास करेंगे, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। बस आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा ईगो आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जिससे कि आपका स्वाभिमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्वाभिमान अच्छी चीज़ है, लेकिन स्वाभिमान में इतने भी आप अंधे ना हो जाएं कि आप दूसरों की बेइज्जती कर दें या दूसरे को कहीं ना कहीं अपमान लगे, अपने स्वाभिमान के चक्कर में दूसरे का अपमान ना कर दें, इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना। रिलेशनशिप में ये स्थिति बहुत ज़्यादा देखने वाली है और सोचने वाली, समझने वाली है। तो अगर अपने स्वाभिमान को भी जिंदा रखें और दूसरे के अपमान को भी बरकरार रख, दूसरे के अपमान को ना करें, तो ये चीज़ें हैं, दूसरे के सम्मान को बनाकर रखें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों अब हम जानते हैं कि आखिर आपके लिए वो तीन राशियां कौन सी हैं जो आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छी रहेंगी। वो तीन राशियां एक तो मीन राशि है, दूसरी मकर राशि है और तीसरी राशि मेष राशि है। इस राशि के पार्टनर आपके हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा ये महीना और आप बहुत इंजॉय करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, बहुत कुछ आपके लिए खास करेगा आपका पार्टनर, बहुत कुछ आपके लिए खास करने वाला है, तो आपको ये बहुत सारी खुशियां देंगे ये पार्टनर आपके हैं। तो दोस्तों अगर मीन राशि का पार्टनर है तो लव मैरिज की भी घर पर बातचीत हो सकती है, ये भी स्थिति है। दोस्तों आपको बताया आपका फरवरी माह का लव राशिफल, अगर आपको 14 फरवरी का लव राशिफल विशेष देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए या फेसबुक पेज पर फॉलो करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों उसके साथ साथ आपको बता दें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और अपना सवाल जरूर लिखिएगा, जिससे कि उस सवाल को केवल आपका विशेष सवाल है ऐसा सोच करके नहीं, बल्कि उस सवाल पे और लोगों के अभी अगर वही सवाल हैं तो उस पे वो लाइक कर दें, उसके कमेंट पर लाइक कर दें, तो उससे क्या होगा कि ये पता चल जाएगा कि ये सवाल ज़्यादातर लोगों का पूछा जाने वाला है, तो इसलिए वो सवाल लिया जाएगा और उससे बहुत सारे लोगों की जो मन की बातें हैं, जो मन की धारणाएं हैं, जो अभी वर्तमान की स्थितियां हैं, उनको भांपते हुए उन्हीं स्थितियों पे एक अच्छा राशिफल और आपके लिए बिल्कुल सटीक राशिफल मिलेगा आपको 14 फरवरी के दिन का। ऐसी स्थितियां हैं आपके लिए, ये सभी स्थितियों को देखते हुए मैं आपको यही कहूंगा आपके लिए काफी बेहतर है, आपको बस धैर्य से काम लेना है। फरवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, इंजॉय कीजिए और अपनी लव लाइफ में प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको प्ले बटन पर, आई बटन पर भी लिंक दिया गया है वीडियो में, कुछ उपाय मैंने बताए हैं बीते कुछ दिनों पहले, या आपको चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उन उपायों को करके आप अपने लव लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।